बच्चों, आप सबको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे स्कूल के चेयरमैन का लड़का अब हमारे साथ पढ़ेगा। हाँ हाँ शांत रहो। लेकिन मैम वो है कौन? क्या तुम लोग उसे देखना चाहते हो? अगर चेयरमैन के लड़के को अपना दोस्त बना लूं, तो यश की तो छुट्टी कर दूंगा। हाँ मैम दिखाओ दिखाओ। तो सुनो तुम आ सकते हो। मुझे देख के सारे हैरान क्यों? मेरी शक्ल के तुम्हारे बाप जैसे मिलती है। अरे नहीं नहीं मेरे बॉयफ्रेंड जैसा। आज ये जो भी मुकाम पे है वो मेरी मजे से शेर रहा मेरा बिजनेस कार्ड कॉल में वह राधा जी। लेकिन इसमें दिल क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम काम करते हैं दिल से। अरे तुम्हें ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? नीचे बैठो। रुको अभी तुम्हारी मम्मी से बात करना पड़ेगा। नहीं मैम ऐसा मत करिए। आ गए लाइन पे। इतनी जल्दी कैसे हमारी शादी के बाद अब मम्मी से करना चाहोगे? क्या शादी? आपको तो मैंने पहले ही कहा था मुझसे शादी करने के लिए मिनिमम आपको 20 साल तो रुकना ही पड़ेगा कि मुझे बिजनेस में एंटरप्रेन्योर भी तो बनना है। पहले उसका सही स्पेलिंग करो। गोलू यार मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ, वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता। हाँ। वो एंटरपेडिक कोट होता है। तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। गोलू चुपचाप कान पकड़ के खड़े हो जाओ बेंच पे। क्या मैम बार बार खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, हम स्टूडेंट है, हमारा कोई इज्जत प्रतिष्ठा। अरे प्रतिष्ठा मत हंसो ना, मुझे कुछ कुछ होता है। अभी भी इसका अकल ठिकाने नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था यश बहुत हैंडसम एंड डैशिंग है। जी मैंने पहले कहा था। छोरो यश जी आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? तुझे क्या हुआ, तू क्या फुक के रखा है? भाई तूने बता नहीं तेरा बाप ने एक एक चेयर बेच के कैसे चेयरमैन बना। क्या मैं और चेयरमैन का बेटा? अगर मैं चेयरमैन का बेटा होता ना गोलू तो तुम लोगों को जिंदा कर देता। इतना घटिया स्टूडेंट होता है कोई स्कूल में? अभी तो बोलू ये बल्ली साला अभी तक जिंदा कैसे है? मतलब ये चेयरमैन का लड़का नहीं है? गधो मैं तो यही कह रही हूँ ये है चेयरमैन का लड़का। चल गोली यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। कौन सा आइसक्रीम? मेरे शक्ल पे तो पहले ही लिखा हुआ था। क्या गरीबी लाचारी हवा। और मैंने तो पहले ही कहा था पर्सनालिटी भी मैच नहीं करता। चल झूठी मैंने पहले कहा था। छोड़ बल्ली छोड़, इन लोगों का मां का दिखाता हूं इन लोगों को पावर। चुप हो जाओ तुम दोनों, अपने जगह पे बैठो, अभी नाम प्रेजेंट होगा। हाँ मैम आप तो मेरी माँ समान है, आपके बाद मैं कैसे टालूं? मैं जल्दी समझ गए। हाँ मैम अगर आपको भी इतना ही पिटता ना आप भी समझ जाते। क्या? कुछ नहीं मैम कुछ नहीं, हम तो लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आज फिर से मम्मी ने खिचड़ी पैक किया। अरे भाई लोग चलो चलो आज फिर से शेयरिंग करिंग वाला खेल खेलते हैं। तू डेली डेली खिचड़ी लाता, मैं नहीं खेलूंगा तेरे साथ। एक बल्ली मैंने भी टिफिन नहीं खोला है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। राइस शाही पनीर नहीं 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 खेलूंगा मैं। बल्ली यार रिस्क है तभी तो इश्क है। ओए ठीक है खेलते हैं। ओम फोर तो मम्मी ने खिचड़ी ही पैक किया है। ओए मैं नहीं खेलूंगा। भाई तूने वसीयत भी लिख ली है यार। देख ये मैंने कब लिखा। भाई तेरा चेहरा देख के लग रहा है तूने फिर से रसीला मैदू वाला लाया ना, ले ले ढाल ढाल। ताजुब की बात है एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना हरामी हो सकता है। भाई इस साल आईपीएल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। उससे ज्यादा इंटरेस्टेड तो वन एक्स बेट पे पैसा इनकम करना हो रहा है। भाई ये क्या है? ये एक बेटिंग ऐप है, इसके मैच में तू बेटिंग करके आईफोन लैपटॉप और बहुत सारे कैश प्राइज जीत सकता है। और इस ऐप में सभी स्पोर्ट्स का लाइव मैच का रिजल्ट भी देख सकता है। मैं तो यहीं से देखता हूँ। क्या भाई सच्चे में? उसी मैच पे तू स्कोर प्रेडिक्टिंग की बेटिंग भी कर सकता है, जैसे कौन सा टीम जीतेगा, कौन सा टीम का कितना रन होगा या किसका सबसे ज्यादा रन होगा। यही नहीं और भी कई तरह के अनुमान लगा के तू बेटिंग कर सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पर तुझे बहुत सारे गेम मिलते हैं जिसको खेल के तू पैसे इनकम कर सकता है। क्या भाई सच्चे में? और एक बात याद रखना, और रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड लिलियश यूज करने पे तुझे फर्स्ट डिपॉजिट पे 26,000 तक बोनस मिलेगा। भाई तो आसानी से पेटीएम बैंक और कोई भी तरीके से अपने जीते हुए पैसे विड्रॉ कर सकते। मैंने सुना ये बहुत ट्रस्टेबल एप्लीकेशन भी है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में वन इज बेट का लिंक एंड प्रोमो कोड पिन किया गया है, प्रोमो कोड को यूज कीजिए और अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करके जीतिए। कृपया 18 साल के नीचे हो तो ये गेम मत खेलना, बहुत पैसे कमा लोगे। तो बच्चों आज एक्चुअली मैम मैं बोलूंगा मैं। हाँ भोको। मैम लास्ट डे आपने होमवर्क दिया था असाइनमेंट का, आप आज वो लेने वाले हो। तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया, तो अगले दिन का असाइनमेंट किसने किसने किया है? मैंने किया है। वाह क्या बात है, दोनों भाई बहन आज होमवर्क करके लाए। बोलू तेरी तो बहन होगी तेरी मौसी। ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो सब छोरो मैंने तो खुद ही नहीं किया है। बजरंग बली मुझे आज बचा दो। पछताने का क्या फायदा, वैसे भी इतने लोगों में भगवान थोड़ी तेरे बात मानेंगे। एक्चुअली बच्चों आज मेरा तबियत बहुत बुरा है इसलिए असाइनमेंट में नहीं लूंगी। क्या भाई क्या बोला था? अरे गोलू यार भगवान ने तो तेरी सच्ची सुन ली। बल्ली कितने पेज लिखा तूने? 10 पेज ना। जाओगे तुम यहाँ से? मैं समझ गया 20 पेज का असाइनमेंट था ना। कर आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, चलो ना हम कोई गेम खेलते हैं। मैम आज क्विज खेलते हैं। देखा जाए तो तुमने सही। शांतनु कहाँ गया?
ये शांतनु कौन है? वो चश्मा पहनने वाला, वो तो आज स्कूल में नहीं आया। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ देखा। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तब यस से पूछ लो। शांतनु वो तो हमारे स्कूल में ही नहीं पढ़ता। मैम आपका तबियत बुरा है इसलिए आपको व्यायाम हुआ व्यायाम चुप सबसे करा जा रहा है। अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं नहीं मैम एक डिबेट हो जाए। चलिए मैम आज एक नया गेम खेलते हैं, रैप बैटल। चल बच्चो तू झंडरों पर रैप सीखता है, ज्यादा बात मत बोल मुझसे। क्या हुआ डर गए? बोलो आराम से आराम से। हाँ हाँ मेरे बेटे को नुकसान जो होगा इतना। मतलब डर गए? मैं डायपर तो पहना है ना। अबे साला गया। अरे यार ये गोलू अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकता है? मैं चोमू का फिकर कर रहा हूँ। मैंने तो इन लोगों के लिए पहले से डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। मैं पहले गाऊंगा, मैं पहले। हमसे जीत नहीं पाओगे, चाहे जितना लगा लो दम। मारेंगे ज्यादा और गिनेंगे कम। अभी मेरी शायरी का पावर दिखाता हूँ। बच्चा रो रहा है इसको नानी चाहिए, बच्चा रो रहा है इसको नानी चाहिए, गिनने के लिए गिनती भी तो आनी चाहिए। इसने कहाँ से रैप सीखा? इतने जल्दी खुश हो रही है, कैसी है जनता है? इतने जल्दी खुश हो रहे हैं, कैसी है जनता है? हम मुर्गा खाते हैं और ये मुर्गा बनता है। मुर्गा नहीं खाते क्योंकि हम हनुमान मंदिर जाते, मुर्गा नहीं खाते क्योंकि हनुमान मंदिर हम जाते। कुछ भी हो तेरे तरह प्रिंसिपल का चाट के नंबर तो नहीं लाते। पुराने कपड़े पुराना स्टाइल है तेरा, पुराने कपड़े पुराना स्टाइल है तेरा। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुड़ के देखे, ऐसा स्माइल है मेरा। तेरे स्माइल नहीं तेरे दांतों के बीच दिखती है खिड़कियाँ। तेरी स्माइल नहीं तेरे दांतों के बीच दिखती है खिड़कियाँ। तुझे हंस के नहीं तुझे देख के हंसती है लड़की। मैं टॉप करूँगा और तू हो जाएगा फेल, मैं टॉप करूँगा और तू हो जाएगा फेल, मैं बड़ी कंपनी में जॉब करूँगा और तू करेगा चड्डी सेल। चड्डी भी बेचूंगा तो ब्रांड बना दूंगा, तो टेंशन मत कर। अगर मैं चड्डी भी सेल करूँगा तो ब्रांड बना दूंगा तो टेंशन मत कर। हमारे कंपनी से अभी तुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है, रिजाइन लेटर तो पर। बिना नहाए आते हैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते हैं, बिना नहाए आते हैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते हैं। लड़कियां तो दूर के बाद, इन्हें तो बंदरियां भी नहीं देखते हैं। चमड़ी उखाड़ देगी वो वैक्स है, चमड़ी उखाड़ देगी वो वैक्स है, और तेरी जो बंदी है वो मेरी एक्स है। चलो चलो लास्ट लाइन। हार गया तू रह गया अकेला, हार गया तू रह गया अकेला, मैं हूँ तेरा मालिक और बन जा मेरा चेला। खाएगा केला? केला भाई यार खाते खाते घर चला जा। असली लाइन तो अभी आने वाला है। मैं हूँ महात्मा गांधी कभी नहीं हापू, मैं हूँ महात्मा गांधी कभी नहीं हापू, अकेला स्वतंत्र लाया था अब कहो मुझे बापू। तेरी तो चलो इस साइड से रिप्लाई दो। अकेले तूने तूने अगर इस साइड से पांच गिनते गिनते रिप्लाई नहीं आया तो चोमू को जिता दिया जाएगा। 5 4 3 मैं हार गया। 2 और रुको अब मैं देखता हूँ। इतना तुझे मारेंगे, इतना तुझे मारेंगे कि उड़ा देंगे तेरे होश। इतना तुझे मारेंगे, इतना तुझे मारेंगे कि उड़ा देंगे तेरे होश। अगर तू है महात्मा गांधी तो मैं भी हूँ सुभाष चंद्र बोस। तू चीटिंग है मैम, कंपटीशन तो मेरे और गोलू के बीच है, यश क्यों रिप्लाई दे रहा है? बात तो सही है। लेकिन इसके पहले तो रूल भी नहीं लिखा गया था। भाई रुक, अब मेरी तरीके से जवाब देता हूँ। तेरे जैसे चमो के बातों पर क्यों मैं ध्यान दूँ? तेरे जैसे चमो के बातों पर क्यों मैं ध्यान दूँ? तू नहीं है महात्मा गांधी, तू है महात्मा गा। क्या चल रहा है? अरे सर बच्चे रैप बैटल खेल रहे, कर दो आपको डिस। हाँ कर दीजिए। ये स्कूल नहीं है, घर है, भूतिया और आप हो एक नंबर। अरे बोल दिया। अरे नंबर टीचर, तुम लोगों ने क्या सोचा?